नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है। सबसे पहले आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये त्यौहार आपके लिए बहुत मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिस दिन हस्त नक्षत्र हो, किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, यानी के सभी प्रकार की औरतें इस व्रत को रख सकती हैं। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य को देने वाला त्यौहार है। पति की लंबी आयु के लिए और कुवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, और बाकी महिलाएं अगले जन्म में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। सभी महिलाओं को इस व्रत को करना चाहिए। और ये व्रत करने से पहले इसके कुछ नियम हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है। यदि आप भी इस साल हरतालिका तीज का व्रत करने जा रहे हैं तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके कुछ नियम नहीं है कि इस साल से शुरू करना चाहिए या इस साल से नहीं। इस वर्ष सन 2020 में 21 अगस्त को ये महापर्व मनाया जाएगा और भाद्रपद मास शुक्ल तृतीय तिथि 21 अगस्त दिन शुक्रवार को रहेगी। तृतीय तिथि 20 और 21 की रात्रि 2:18 से आरंभ होगी और 21 और 22 की रात्रि 1:58 तक रहेगी। वहीं हस्त नक्षत्र 21 तारीख की रात्रि 9:33 से शुरू होकर 22 अगस्त की रात्रि शाम को 7:15 तक रहेगा। इसलिए अगर आप भी व्रत करने जा रहे हैं तो 21 अगस्त को ही इस व्रत को करना शुभ रहेगा। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठकर नहाना धोना चाहिए, और ये व्रत 21 अगस्त के सूर्योदय से शुरू होकर 22 तारीख सूर्योदय तक रहेगा। अगर आप चाहें तो सूर्योदय होने से पहले सर्गी कर सकते हैं। सर्गी क्या होती है? माता पिता द्वारा दी गए फल और मिठाई आशीर्वाद के तौर पर अगर आप चाहें तो 21 तारीख की सुबह सुबह खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहें तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको उन बातों के बारे में बताती हूँ जिनको हरतालिका तीज के दिन बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने व्रत रखा है तो अपने पति देव से छल कपट धोखा या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और पति का मन बिल्कुल ना दुखाएं। नंबर 2, इस दिन दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करनी, अन्यथा व्रत का फल निष्फल हो जाएगा। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को या अन्य व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन निर्जला उपवास रखना है। सूर्य उदय होने से अगले दिन सूर्य उदय होने तक बिल्कुल कुछ जलपान नहीं करना। नंबर 4, इस दिन 16 श्रृंगार का खास महत्व है। इस दिन सुंदर सुंदर नए वस्त्र और श्रृंगार करना चाहिए जिससे माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। नंबर 5, इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने और ना ही सौभाग्यवती महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन लाल पीले हरे रंग के कपड़े खिले खिले कलर पहनने चाहिए। नंबर 6, पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना जरूरी है, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाएगा। नंबर 7, इस दिन रात्रि जागरण करना है। अगर लेटने का दिन भी हो तो बेड पर नहीं लेटना, जमीन पर थोड़ा आराम कर लेना है। नंबर 8, माता पार्वती और शिवजी भगवान के गुणगान करना है, उनके चरित्रों का वर्णन करना है और भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 9,
बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, उनसे किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार ना करें और क्रोध बिल्कुल ना करें। घर में लड़ाई झगड़ा और विवाद करने से बचें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।